नमस्कार, मैं कमल किशोर सैनी, फाउंडर एंड सीईओ कोलियाजानकार.com, आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। आखिरकार कैसे आज देश की मॉडलिंग एजेंसी हमारे एक्टर्स का भविष्य खराब कर रही है? क्यों जो नए एक्टर्स हैं, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं? कैसे उनको क्या क्या परेशानियां आ रही हैं? और एक बर्बाद जिंदगी एक्टिंग एजेंसी क्यों कहा जाता है बॉम्बे को? क्यों बर्बाद है हमारे एक्टर्स? आखिरकार ऐसा वो क्या करे कि वो सक्सेसफुल हो जाए? और आप एक सक्सेसफुल एक्टर कैसे बन सकते हो? आपको क्या क्या करना पड़ेगा? क्या क्या उसके लिए फैक्टर्स हैं? आखिरकार कैसे हमारे देश के एक्टर्स जो कि मॉडल बनना चाहते हैं या फिर एक्टिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, कैसे वो खराब हो रहे हैं, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले। दोस्तों, अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें, जियो रिवोल्यूशन के बाद में इंडिया के अंदर हर कोई इंटरनेट पे आना चाहता है, चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियोज हो। बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियोज के कारण अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी घुसना चाहते हैं। अब आखिरकार उनके पास कौन कौन से ऑप्शन है, कैसे वो बॉलीवुड में जा सकते हैं, कैसे वो मॉडलिंग कर सकते हैं, क्या क्या उनके पास ऑप्शन है, और ये मॉडलिंग एजेंसीज कैसे स्कैम कर रही है लोगों के साथ, जो कि उनका पूरा भविष्य बर्बाद कर रही है, क्या सारा सीन है? आज ये वीडियो होने वाला है मॉडलिंग एजेंसीज पे, जो कि आपको बुरी तरह से बर्बाद कर देगी, आपके पैसे ले लेगी, लेकिन आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे पैसे देकर भी। क्या सारा प्रोसेस रहने वाला है? दोस्तों, इंटरनेट की अगर बात की जाए तो आप लगातार इंटरनेट से एडिक्टेड हो चुके हो। SMA सोशल मीडिया एडिक्शन पे आपका पूरा अट्रैक्शन हो चुका है। इंस्टाग्राम ने आपको कंप्लीटली हैक कर लिया है, जकड़ लिया है। ये मॉडलिंग एजेंसी वाले भी जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, इसी चीज का वो जो है फायदा उठाते हैं। वो अपने एड चलाते हैं लगातार इंस्टाग्राम पे। बहुत सारी मॉडलिंग एजेंसीज है आपके पास, जो कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी है, मुंबई के अंदर आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, जो आपका फायदा उठाते हैं क्योंकि आप एडिक्टेड हैं इंटरनेट से। आपको एड दिखाया जाता है इंस्टाग्राम पे, बड़े बड़े एड आते हैं कि अगर आपको एक एस्पायरिंग मॉडल बनना है तो आइए हमारे पास। कैसे मॉडलिंग एजेंसी स्कैम कर रही है, इनका पूरा मैनिपुलेशन सिस्टम क्या होता है? दोस्तों, मॉडलिंग एजेंसी की अगर बात करें तो ऐसे लोग जो कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, जो छोटे छोटे रोल कर रहे हैं और बहुत सारी पूरी लाइफ अपनी भटकते रहते हैं, स्पेशली फॉर द कास्टिंग डायरेक्टर्स। आखिरकार ये कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, और कैसे फिल्म एक्टिंग इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, इसके लिए हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आज अपन बात करने वाले मॉडलिंग एजेंसीज के स्कैम के बारे में कि आखिरकार ये स्कैम कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक मॉडलिंग एजेंसी है XYZ मॉडलिंग एजेंसी, जो कि दिल्ली के अंदर रिजर्व करती है। अब दिल्ली के अंदर जो रिजर्व करती है, उसका जो डायरेक्टर है वो एक छोटे मोटे रोल जैसे कि CID या फिर क्राइम पेट्रोल जैसे रोल के अंदर कंप्लीट कर चुका है। अब उसके पास अपने इंडस्ट्री में जाने के और भी ऑप्शन है नहीं, तो वो सोचता है कि आखिरकार मैं कैसे लोगों को लूटूं या फिर उनको भी जो है फिल्म इंडस्ट्री में आगे बेच सकूं। तो खाने की शुरुआत होती है, वो जो है अपने एड्स चलाते हैं, अपनी वेबसाइटों के ऊपर फेक प्रोफेशन लगा देते हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोफेशन हैं। हालांकि ऐसी कुछ ही एजेंसीज हैं, मैं सभी एजेंसीज की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जैसा कि जॉनसन आपको देखने को मिल रही होगी, ICE इंस्टीट्यूट है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है, इसके साथ एक्टर प्रिपेयर है जो कि अनुपम खेर सर का चलाया जाता है, NSD है जो कि हमारा गवर्नमेंट है, इसके साथ ही मुंबई के अंदर काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी चलाए जाते हैं। बहुत सारी जो है कॉलेजेज है जो कि कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, जैसे कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉल मिल जाएंगे, जामिया मिलिया इस्लामिया में मिल जाएंगे, एंड और भी काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको ये कोर्सेज करवाते हैं। हालांकि मॉडलिंग एजेंसी की अगर बात की जाए तो आपके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एड दिखाए जाते हैं, जिसके अंदर आपको शो किया जाता है कि हमारा एड देखिए, आपको फ्री के ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। हालांकि वहां पे ऑडिशन के लिए ऑलमोस्ट 200 से 250 लोगों को बुलाया जाता है, जहाँ पे जो है सभी लोगों को बताया जाता है जो कि ठीक ठाक दिखते हैं कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं। हालांकि मॉडलिंग एजेंसीज के ओनर को यह माना जाता है कि वो ये मानता है कि सभी को अगर कहेंगे, अगर हम 200 लोगों को कहते हैं तो सिर्फ 50 लोग ही मानेंगे जो कि इंटरेस्टेड है, तो 200 लोगों को वो करते हैं कॉल, वो कॉल नहीं करते एक्चुअली, वो बोलते हैं कि आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, जिन भी बच्चों को इंटरेस्ट होता है वो कॉल करके पूछते हैं कि क्या हम सेलेक्टेड हैं, क्या हम एक्टर बन सकते हैं,
तो मॉडलिंग एजेंसी बोलते हैं कि जी हाँ आप एक्टर बन सकते हैं। इसके साथ ही उनकी शुरुआत हो जाती है। मॉडलिंग एजेंसी की फीस होती है 40,000 रुपए या 50,000 रुपए, 60,000 रुपए। बहुत सारी मॉडलिंग एजेंसी की 30,000 रुपए भी फीस है। बहुत सारी मॉडलिंग एजेंसी सिर्फ 10,000 रुपए के अंदर भी आपको एक प्रोफेशनल एक्टर बना दे रही है और सर्टिफिकेट भी दे दे रही है, जो भी एक सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मॉडलिंग एजेंसी एक शो कंडक्ट कराती है जिसके अंदर कोई बड़े एक्टर नहीं आते। आपको झूठ बोला जाता है कि हमारे पास बड़े बड़े एक्टर आने वाले हैं, हमारे पास मनोज तिवारी आने वाला है, हमारे पास सलमान खान आने वाला है, हमारे पास रणबीर कपूर आने वाला है, लेकिन रियल में ऐसा कोई भी नहीं आता। उनके पास ऐसी ऐसी फैकल्टी होते हैं जिनके पास अनगिनत 1,000 फॉलोवर होते हैं उनके इंस्टाग्राम के ऊपर, जिनको वो सेलिब्रिटी कहते हैं, जिनको वो जूरी मेंबर कहते हैं। इसके बाद आपका ऑडिशन लिया जाता है, आपका रेम्पोक किया जाता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इस प्रकार से आपको कुछ भी एक्टिंग के बारे में नहीं सिखाया जाता है और आप एक सक्सेसफुल एक्टर बन जाते हैं। इसके बाद गूगल से ढूंढ के आपको बहुत सारी कास्टिंग एजेंसीज के नंबर दे दिए जाते हैं। कास्टिंग एजेंसीज का नंबर होता मतलब होता है कि जहाँ भी जो भी डायरेक्टर होते हैं आपको किसी भी एड के अंदर दिखाते हैं, किसी भी मूवी के लिए सेलेक्ट करते हैं, आपकी डिटेल चेक करते हैं, आपकी हाइट, आपका हुलिया, आपका ऑडिशन लेते हैं, उसको कास्टिंग डायरेक्टर कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि आपको कास्ट करता है, आपको दिखाता है किसी भी जगह, उसको कास्टिंग डायरेक्टर बोला जाता है। आपको कास्टिंग डायरेक्टर इसके नंबर दे दिए जाते हैं। आप लगातार बिना प्रिपेयर करिए, आपको अभी भी पता नहीं है कि आखिरकार एक्टिंग की जाती है कैसे की जाती है। दोस्तों अब आपको पता ही नहीं है कि एक्टिंग कैसे की जाती है। आखिरकार जेठालाल की जगह आपको अगर वहां पे भेज दिया जाए कि आपको उसकी तरह मुस्कुराना है, एक्सप्रेशन लेके आना है, आपको दुखी होना है, आपको खुश होना है, लेकिन आप कैसे हो पाएंगे क्योंकि आपने कभी एक्टिंग की ही नहीं है। इस कारण बहुत सारे एक्टर लोग ये सोचते हैं कि हमने एक्टिंग का कोर्स तो कर लिया है, अब हमें नौकरी चाहिए। वो लगातार भटकते रहते हैं, वो मुंबई चले जाते हैं। मुंबई के अंदर लाखों लोग आज एक्टिंग के लिए तरस रहे हैं रोल के लिए, लेकिन उनका बेसिक रीजन यही है कि उनके पास स्किल नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो आपके पास स्किल रिक्वायर्ड है। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म जो कि आपको स्किल बेस्ड कोर्सेज रिकमेंडेड करता है, आपको बताता है कि आपके लिए बेस्ट कोर्सेज क्या है, आपके लिए बेस्ट कोर्सेज क्या नहीं है, वो है college.jankar.com। आप जरूर से विजिट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दिया गया आपको, जिसके अंदर आप हमारे स्पेशल एक्टिंग इंडस्ट्री के लाइव कोर्सेस देख सकते हैं, आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं आखिरकार आपके लिए बेस्ट कोर्सेस क्या हो सकता है, कैसे कैसे आपकी जर्नी होगी, किस इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ना चाहिए, आखिरकार 2 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे और क्यों कर रहे होंगे, आखिरकार आपका एटलीस्ट थीम क्या होना चाहिए, आप अपने गोल को कैसे अचीव कर पाएंगे, उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आखिरकार बहुत सारे एक्टर्स को ये पता ही नहीं होता है कि मेरे को एक्टिंग आनी चाहिए, आखिरकार मैंने तो एक्टिंग की ही नहीं है। अब जो एक्टिंग मॉडलिंग एजेंसी है वो अपनी फीस ले लेता है। हालांकि बच्चों को मॉडलिंग एजेंसी ये भी बोलते हैं कि हम आपका 100% प्लेसमेंट कराते हैं, जिसके अंदर वो बोलती है कि हम आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 शूटिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर वो शूटिंग में प्रोवाइड करता है अमेजोन के हाथों के अंदर पहनने वाले जुराब्स या फिर छोटी मोटी टी सेट जो कि छोटे छोटे सेलर्स बनाते रहते हैं, उन सब की आपको शूटिंग प्रोवाइड कर दी जाती है और आपके फोटोज लगा दिए जाते हैं, 1-2 आपका और भी पोस्टर क्रिएट कर दिया जाता है। इस प्रकार से आप एक सक्सेसफुल करेक्टर बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडलिंग एजेंसी, और आपको लगता है कि आप एक सक्सेसफुल एक्टर बन चुके हैं और आप चले जाते हैं एक्टिंग इंडस्ट्री के अंदर। आखिरकार आपको पिछले आने वाले कुछ सालों तक रोल नहीं देखने को मिलता क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है। जब आपको पता चलता है कि यहाँ पे तो स्किल रिक्वायर्ड है और मैंने तो स्किल सीखी नहीं है, तब तक बहुत दिन गुजर जाते हैं, आपके पेरेंट्स आपको मना कर देते हैं या फिर आपका रुझान लगातार धीरे धीरे कम होता जाता है और आपको लगता है कि एक्टिंग इंडस्ट्री एक बर्बाद इंडस्ट्री है और इसके अंदर जाना हमारे बस की बात नहीं है। इस प्रकार आज लाखों एक्टर्स अपनी होप को खो बैठते हैं और कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि सही गाइडेंस, राइट इंस्टीट्यूट और राइट डायरेक्टर्स और राइट मेंटर्स से मिलके अपनी लाइफ में अच्छा सक्सेस पा सकते हैं। इसलिए आप ऐसी कास्टिंग एजेंसी से या फिर मॉडलिंग एजेंसी से बच के रहे। इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जो भी आप ऐसे कोर्सेस करते हैं
आपको पागल बनाते हैं कि आप हमारे यहाँ पर रजिस्टर कर लीजिए, आप हमें 5,000 रुपए दे दीजिए, आप हमें 10,000 रुपए दे दीजिए, हम आपको इस मूवी में कास्ट कर देंगे, हम आपको इस वेब सीरीज में कास्ट कर देंगे, और आप उनको भी पैसे देके बुरी तरह से दिवालिया हो जाते हैं दोस्तों। तो ये थी एक मॉडलिंग एजेंसी की एक ऐसी कहानी जो कि लगातार लोग इससे परेशान होते जा रहे हैं, और आज हजारों इंडस्ट्रियां, 18 मॉडलिंग एजेंसी आज हमारे देश के अंदर खड़ी हो चुकी है, देश के हर शहर के अंदर आपको मिल जाएंगी। और आज अगर एजुकेशन की अगर बात की जाए, जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस कोर्सेज नहीं करा पा रहे हैं, उतने मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, कानपुर के अंदर एक्टिंग एजेंसीज है जो कि लोगों को ये कोर्सेज करवाती है। लेकिन फिर भी एक्टिंग इंडस्ट्री बर्बाद इंडस्ट्री लगातार बनती जा रही है, क्योंकि लोगों को उसकी गाइडेंस के बारे में पता नहीं है। आखिरकार उनको पता ही नहीं चल पाता कि रिक्वायर्ड एट द एंड स्किल होती है। आखिरकार मेरे को लोगों को हंसाना है, मेरे को एक्ट करना है, लेकिन रियल के अंदर एक्टिंग सिखाती नहीं है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, अगर आपको भी राइट गाइडेंस, आपको भी राइट मेंटर चाहिए, तो आप डेफिनेटली कॉलेज जानकार पर विजिट कर सकते हैं। और आप अगर आपको ऐसा ही कंटेंट देखना पसंद है, अगर आप भी फिल्म इंडस्ट्री या फिर एक्टिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, देन एक मेरा यूट्यूब चैनल पर्सनली दिया गया है स्पेशली फॉर द एक्टिंग स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप उसको जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।